तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Realme 6 एंड 6 Pro के बारे में। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद Realme 6 सीरीज ऐसे 5 मार्च लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। और दोस्तों इस फ़ोन की प्राइसिंग को सुनने के बाद ना आपको यही लगेगा कि क्या ज़बरदस्त फ़ोन लॉन्च करने वाला है Realme। और ऐसा लग रहा है कि Poco X2 के लिए ना काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है यहाँ पे Realme 6 सीरीज़ के लिए, क्योंकि जो फीचर और स्पेक्स जिस प्राइस में लॉन्च हो रहा है ना Realme 6 सीरीज़ के अंदर, आपको शायद से किसी और फ़ोन में ना दिखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे Realme 6 सीरीज़ में आपको क्या कुछ फीचर और स्पेक्स दिखने को मिलेगा, कब तक कितनी प्राइस में लॉन्च होगा, सारी डिटेल इस वाली वीडियो के अंदर। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों लाइक कर लेना इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर Realme 6 एंड 6 Pro में आपको डिस्प्ले कैसा देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बोला था पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो Realme 6 होगा सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलेगा, और जो Realme 6 Pro होगा इसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आपको डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे Realme 6 Pro का जो डिस्प्ले होगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। Realme 6 का जो डिस्प्ले होगा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। दोनों फ़ोन्स में ही आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे फुल HD+ रेजुलेशन होगा एंड दोस्तों Corning Gorilla Glass का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक होगा, वही सेम सिमिलर ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। क्वाड रियर कैमरा होगा और जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा ना Redmi K30 के जैसा साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको Realme 6 एंड 6 Pro देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे Realme 6 एंड 6 Pro दोनों में ही आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ दिखने को मिलेगा। और जो बाकी तीन सेंसर होगा सेम 8 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो के साथ दिखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाता है, और जो Realme 6 Pro होगा इसके अंदर आपको 16+8 मेगापिक्सल का एक और एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि जो Poco X2 है इसके अंदर आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जो कि कोई भी काम पे नहीं आता है। दोस्तों 2 मेगापिक्सल सेंसर मतलब बेवकूफ़ी है। और दोस्तों जो Realme 6 Pro का सेकेंडरी सेल्फी कैमरा होगा ना वो बहुत जगह पे काम पे आने वाला है, चाहे वो ग्रुप सेल्फी हो या तो फिर वाइड एंगल वीडियो। बाकी आपको बोके इफेक्ट सिंगल कैमरा से भी मिल जाएगा Realme 6 Pro में अच्छा खासा, क्योंकि जो AI एल्गोरिदम है इस फ़ोन में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इस फ़ोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे जो Realme 6 Pro होगा 4000 से लेकर 4500 mAh बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। बाकी इस फ़ोन में आपको 30W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। बॉक्स के अंदर ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और जो Realme 6 होगा इसमें आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आपको Realme 6 दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में ही आपको फास्ट चार्जर दिखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग भी दिखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पे बैटरी भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है इस प्राइसिंग में। अभी चलो बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों जो MediaTek Helio G90 है ना वो हमें Realme 6 के अंदर दिखने को मिलेगा, लेकिन जो Realme 6 Pro होगा इसके अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर मिलेगा अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है। लेकिन 91मोबाइल के थ्रू एक लीक निकल के आ चुका है, जिसमें से ये पता चलता है हमें कि इस फ़ोन के अंदर आपको मिल सकता है Snapdragon 720G का ऑक्टा-कोर चिपसेट, और हो सकता है आपको Snapdragon 730G भी देखने को मिल जाए। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बोलो, Snapdragon 720G या तो फिर Snapdragon 730G। दोस्तों यही कुछ फीचर एंड स्पेक्स के साथ Realme 6 एंड 6 Pro लॉन्च होने वाला है 5 मार्च। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में, जो कि काफ़ी एग्रेसिव होगा। और प्राइस सुनने के बाद ना आप ज़रूर से इस फ़ोन के लिए वेट करोगे ही करोगे, और करना भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो Realme 6 है ना ये लॉन्च होगा 10,000 में, इसका बेस वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। और जो Realme 6 Pro होगा ना ये 14,000 में हमें इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अंडर 10,000 में आपको मिल रहा है Snapdragon 720G। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। Snapdragon 720G के साथ आपको Realme 6 Pro देखने को मिलेगा। साथ में आपको क्वाड रियर कैमरा जो कि 64 मेगापिक्सल का होगा, डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग कैमरा, जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है, 30W फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है, बड़ी बैटरी मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों Realme 6 ये फ़ोन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेन थाउजेंड में ही आपको मिलता है, जहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G90 मिलता है, बड़ी बैटरी, और दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त है, और साथ में यहाँ पे कैमरा 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा के साथ, और डिस्प्ले इसका इस प्राइस में आपको पंचोल डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है, वो भी रियलमी के तरफ से। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बोलो अपना थॉट, अपना ओपिनियन इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। क्या लगता है आपको, क्या आप वेट करना चाहोगे या तो फिर नहीं? मेरी मानो तो यार वेट कर लो इस फ़ोन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।